बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, बाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज हम बनाने लगे हैं सिंपल सा कस्टर्ड। इसमें सिर्फ कैंडी बिस्किट का ऐड करूँगी और क्रीम भी थोड़ी सी ऐड करूँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, सिर्फ दूध कस्टर्ड वगैरह ये थोड़ी सी चीज़ें ऐड करूँगी। आइए शुरू करते हैं कैसे तैयार करना है। आज हम बनाने लगे हैं कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड, बहुत ही मज़े का होता है। यह अब मैं तैयार करने लगी हूँ। इसमें ये मैंने वनीला कस्टर्ड दूध में शामिल करके इसको बिल्कुल ये इसकी गठनियाँ ना बने इसको तैयार करके रख दिया, ठीक है। साथ ही ये मैंने एक से दो इलायची इसमें शामिल की है। किलो दूध तकरीबन होना चाहिए, ठीक है, दूध इसके अंदर और शामिल करूँगी मैं कम में। दूध अच्छे से पकने लग गए, इसमें मैं आप कस्टर्ड वनीला शामिल करती हूँ। अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहना, गुठलियाँ ना बने, ठीक है। इसको अच्छे से पकाना, जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता तब तक पकाते रहना, और जितना पकाएंगे इसका टेस्ट भी और अच्छा होता है, गाढ़ापन आता है और ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छे से मैंने ये पका लिया, बिल्कुल थिक हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या शामिल करना है। वैसे ये कैंडी बिस्किट लगा रही हूँ कस्टर्ड के लिए, ये टूट गए थे दरअसल। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका था, ठंडा मैंने कर लिया था, इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको मैं अभी लगाती हूँ उसके अंदर, इसको भी मैं कस्टर्ड बिछाती हूँ, ठीक है। ऐसे फिर एक कस्टर्ड बिछाऊंगी, ऐसे थोड़ा फिर ऊपर करके ऐसे ऐसे इसको करती हूँ। चॉकलेट फ्लेवर और भी अच्छा आता है। जल्दी ही इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।